बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बड़ी खुशखबरी है, कल कैबिनेट ने ये दिए। हालांकि कल ही हमने आपको बता दिया था, लेकिन आज डिटेल में इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, अब जो है वेटिंग लिस्ट आएगी बहुत जल्द। 25% सीटों पे जो है वेटिंग लिस्ट आएगी एकल संवर के पद, जिसमें आपके पुलिस के होंगे, फॉरेस्ट गार्ड के होंगे और भी होंगे। तो डिटेल में इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अंतिम चयन परिणाम के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। जी हाँ, एकल पदों पर भर्ती की अंतिम चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी, जिसमें पदों के सापेक्ष 25% अभ्यर्थी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसके कारण जो है काफ़ी सारे पद खाली रह जाते हैं, लेकिन अब जो है खाली नहीं होंगे। अंतिम चयन के बाद एकल संवर के खाली पदों पर नौकरी का मौका मिलेगा। इन सभी अभ्यर्थियों को 1 साल या नई भर्ती निकलने तक वैध माना जाएगा। यानी कि जब तक नई भर्ती नहीं निकलती, जैसे मान लीजिए अभी पुलिस की लगभग जो है 1,550 पदों पर, सॉरी 1,400 जो भी थे आए थे पद, उनमें जो है भर्तियां आई थी, उसके बाद करीब ये जानने को मिला कि 150 से अधिक पद जो है खाली पड़े हैं। अगर उनमें वेटिंग लिस्ट आई होती तो वो 150 पद जो है भरे जा चुके होते अब तक, क्योंकि ये कहा गया जब तक नई भर्ती नहीं आ जाती है तब तक वे पद और 1 साल तक जो है वैध माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुक्रवार को कैबिनेट में बैठक हुई, इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा। अभी तक एकल संवर्ग के पद कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, जो कि एकल संवर्ग के होते हैं। आज पदों के सापेक्ष कुल चुन लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेजी जाती थी। इस सूची के तहत चुने गए कई अभ्यर्थी किसी अन्य भर्ती में चुने जाने की वजह से ज्वाइन नहीं करते थे और वो पद खाली रह जाते थे। इस कारण से आप देख सकते हैं कई अभ्यर्थी पॉइंट कुछ परसेंट से रुक जाते थे। अब इस नियम को बदले जाने का जो है समय आ गया है। कैबिनेट ने इसका जो है प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। अब एकल संवर्ग भर्तियों में पदों के सापेक्ष एक प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। मसलन अगर किसी भी भर्ती में 100 पद हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल के तौर पर किसी भी भर्ती में 100 पद हैं, इसके लिए चुने गए 100 अभ्यर्थियों के साथ ही 25% यानी कि लगभग 25 अभ्यर्थियों की अलग से प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी और साल भर में जो पद खाली होंगे उन पर इन अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलेगा। सरकार प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में रखेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन PCS जैसे भर्तियों पर ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वो एकल संवर्ग के भर्तियाँ नहीं होती हैं। रीज़न ये था कि अब तक जो कई ऐसे विभाग हैं जिनकी सेवा नियमावली में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था, जबकि पुलिस जैसे कई अहम विभागों में वेटिंग लिस्ट नहीं होती थी। इधर युवा एक साथ कई भर्तियों के लिए आवेदन करते थे और कई जगहों पर उनके जो है नाम भी आते थे और यहाँ पर कई पद खाली हो जाते थे, तो इसीलिए जो है ये नियम बनाया गया है जो कि चेंज होगा। इसी क्रम में रिक्त पदों पर भर्ती होगी या वेटिंग लिस्ट अधिकतम 1 साल के लिए मान्य होगी या फिर जब तक नई भर्ती नहीं आ जाती तब तक जो है एक्टिव रहेगी। जिन अभ्यर्थियों ने जो है कई पॉइंट से छूट जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल में, उसके अलावा अब तक परिणाम नहीं निकला है, उन सभी भर्तियों पर यह नया बदलाव लागू हो गई। यानी कि अभी जो जो भर्तियां नहीं आई हैं उन पर भी ये नियम लागू होगा अगर विधानसभा में ये विधेयक जो है पारित हो जाता है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेशन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।